अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और आप अपने इर्द गिर्द ज़रूर ही देख रहे होंगे कि एक गलियों में, कूचों में, शहरों में, बाज़ारों में हर तरफ छोटे बड़े झंडे, झंडियाँ और प्लास्टिक के गाड़ियों के ऊपर, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स के ऊपर लगाने वाले वो झंडे और फिर बहुत से स्टिकर्स और छोटे छोटे खूबसूरत झंडों वाले जो हैं वो पोस्टर्स और बैजेस वगैरह जो हैं वो बन रहे हैं। और बड़े छोटे, अमीर गरीब, बड़े एक नेशनल मोटिवेशन के उसके साथ, स्पिरिट के साथ ये बड़े ज़ौको शौक के साथ ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से जब इतना वो एक माहौल बना हुआ होता है तो बहुत दफ़ा लोग, ख़ासतौर पे कुरान और हदीस पढ़ने वाले लोग, मुझसे इस बात में सवाल करते हैं कि फिर हम 14 अगस्त को क्या करें। इसमें कोई शक की बात नहीं कि 14 अगस्त हमारे लिए, हमारी कौम की तारीख में एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है। और ये वो दिन है जब अल्लाह सुभाना ताला ने रमज़ानुल मुबारक की बासआदत घड़ियों में शहीदों का खून रंग लाया था, हमारे बाप दादा की कुर्बानियां रंग लाई थीं, और वो जो एक झंडे तले जमा हो गए थे और उन्होंने ऐलान किया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह सुभाना ताला को उनका ये ऐलान, उनका कसद, ये इरादा और उनकी कुर्बानियाँ इतनी पसंद आई थी कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें रमज़ानुल मुबारक की घड़ियों में आज़ादी दी। तो लिहाजा ये, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये यौम आज़ादी है और ये मुमलकत खुदादाद के बनने का एक बहुत ही बड़ा सा दिन है और हमारे लिए एक इंतहाई खुशी का दिन है। तो अब अगली बात ये कि हम इसमें क्या करें, क्यों करें, कैसे करें। तो हम सभी जानते हैं कि कुरान के तालिब इल्म होने के लिहाज के हवाले से हमें अब कुरान और हदीस पढ़ने के बाद किसी की अंधाधुंध तकलीफ तो करनी नहीं और ना ही भेड़ चाल का तरीका अडॉप्ट करना है। अगर हम देखते हैं कि अमेरिका अपनी आज़ादी के दिन को बहुत ही ज़्यादा हंगामे से और ढोल तमाशे के साथ और बहुत फायरवर्क्स और लाइटनिंग, इन तमाम चीज़ों के साथ वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हमारे लिए रोल मॉडल्स नहीं है। जस्ट बिकॉज दे हैपन टू बी अ सुपर पावर और जस्ट बिकॉज कि वो बहुत एक तरक्की याफ्ता कौम है और तरक्की की दौड़ में हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, हम सिर्फ इसलिए उनको कॉपी और फॉलो और आइडलाइज और ग्लैमराइज नहीं करेंगे। और ना ही हम सिर्फ अपने इर्द गिर्द लोगों को देखेंगे कि कोई बहुत पढ़े लिखे लोग या बहुत कोई समझदार से लोग जो हैं वो फेस पेंटिंग करवा रहे हैं या वो सड़कों के ऊपर, हम देखते हैं कि आज एक जनरल माहौल बन जाता है कि अपनी गाड़ियों के, अपने मोटरसाइकिलों के सलेंसर्स उतार के सड़कों के ऊपर रातों को देर तक चला रहे हैं मोटरसाइकिल्स और शोर और हंगामा और गोलकपाड़ा किया जा रहा है, चाहे किसी बीमार की जो है वो नींद खराब हो रही है, किसी का सुकून बर्बाद हो रहा है, माहौल जो है वो पोल्यूट हो रहा है सब कुछ, और वो फलक शगाफ मौसीकी के नारे लगा कर ढोल तमाशों के ऊपर नाच गाना और धमालें डाली जा रही हैं। ये जस्ट बिकॉज ये कि वो कहते हैं ना कि चलो तुम उधर हो, हवा हो जिधर की, एंड रोम डू एज रोमन्स डू, हमारे लिए ये पैमाना नहीं है। हमारे लिए तो बहसियत मुसलमान कुरान का हुक्म है ना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात का हुक्म हमें दिया गया और हमें कुरान में कहा गया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन। तो आगे चलने से पहले मैं ये बात ज़रूरी करूँगी कि हम बताएं कि अल्लाह सुभाना ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मौक़ों पर क्या करने का हुक्म दिया और आपने इस हुक्म के बाद कैसे रिएक्ट किया और आपने क्या किया। अगर हम सूरह नसर, जो छोटी सी सूरत है ना, जो हम बहुत दफ़ा अपनी नमाज में भी पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुभाना ताला ने वहाँ पे क्या हुक्म दिया है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह व रअयता अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा फसब्बिह बिहमदि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहू काना तव्वाबा। अल्लाह ने जिक्र किया है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि जब आपको फतह और नुसरत आपके शामिल हाल हो जाएगी और आप देखेंगे कि लोग जौक दर जौक दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये किस चीज़ का तस्करा किया गया था, फतह मक्का। फतह मक्का की जो इतनी बड़ी कामयाबी और इतनी ज़बरदस्त सक्सेस जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, अगर आप सोचें तो ये शायद रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी कामयाबी, इंसानी तारीख में किसी शख्स को इतनी बड़ी कामयाबी, किसी कौम को इतनी बड़ी फतह इतनी जल्दी नहीं मिली होगी। 10 साल पहले
आप 10 भी नहीं 8 साल पहले मक्का से ये पूरा गरोह जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और सहाबा इकराम खाली हाथ मुफलिस फकीर ये गरोह जो है मारे पीटे काटे जाने के बाद मक्का से निकाला जाता है, मदीना की रियासत बनती है। वहाँ पे भी जंगों पर हमलों पे हमलों के बाद 8 सालों के बाद तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉक्स इन एज द कॉन्करर ऑफ मक्का, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी और इतनी बड़ी कामयाबी और इतनी बड़ी फतह तो शायद ही किसी को रूए ज़मीन पर मिली हो। और इतनी बड़ी फतह और कामयाबी पर हम देखें कि अल्लाह सुबहाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या काम करने का हुक्म दिया। फसब्बिह, अल्लाह सुबहाना ताला की तस्बीह करें और क्या करें, वस्तग़फिर, इस्तग़फार करें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा किराम ने भी क्या किया था, हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के नवाफिल अदा करते हुए नजर आ रहे हैं, कसरत से आजी और इनकसारी के साथ तस्बीहात और हम्दो सना करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई तकबुर, कोई घुमंड और कोई ढोल बाजे ताशे, कोई ऐसा तरीकाकार दूर दूर से उसका वहमो गुमान भी नजर नहीं आता। आज हम देखते हैं कि हम कैसी खराफात और ला यानी चीज़ें कि फलक बोस नारे जो हैं वो कौमी तरानों के मौसीकी के ऊपर लगा दिए जाते हैं और फिर अपने अपने गरेबान खोल कर और हरे कुर्ते पहन कर और फेस पेंटिंग्स करके जो झंडे हैं वो चेहरों पर बना लिए। अरे कौन सा झंडा चेहरों पर बना रहे हैं, वो झंडा जिसकी अजमत के लिए हम ना कोई कोशिश करते हैं ना मेहनत करते हैं, उसकी जिल्लत और रसवाई का जरिया अपनी बदहदियों के साथ, अपनी खयानतों के साथ, अपनी तिजारतों, अपने कारोबारों और अपने रवैयों के साथ हम क्या सरबुलंदी का इस झंडे का मामला कर रहे हैं जिसके ऊपर, जिसको अपने चेहरे के ऊपर पेंट करके हम नाचते हैं और फख्र करते हुए नजर आते हैं। और बेहयाई और फहाशी और मखलूत महफिलें, बच्चियां लड़कियां जो हैं वो सड़कों के ऊपर गाड़ियों में से निकलकर नाचती भी नजर आती हैं। ये कौन सा तरीकाकार है, क्या ये मुसलमान है, क्या तुम मुसलमान हो, ये अंदाजे मुसलमानी है। मतलब आप देखें कि हम किस डगर पर चल रहे हैं, हम कौन से रवैये अपना रहे हैं। बहरहाल अल्लाह सुबहाना ताला ने जो हुक्म दिया वो ये कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, कि अल्लाह सुबहाना ताला की हमदो सना करो। और वैसे भी कुरान में कसरत से पता यही चलता है कि जब कोई तुम्हें नेमत मिलती है, कोई इनाम मिलता है, तो फिर क्या करो, जिक्र करो, शुक्र करो। तो ये इतनी बड़ी नेमत खुदादाद जो हमें मिली है उसमें हमें कसरत से इस दिन पर कम से कम कसरत से अल्लाह की हमदो सना करनी है, उसका शुक्र करना है। और मेरा ख्याल है बहसियत पाकिस्तानी हम जितना शुक्र करें, इतनी नेमत खुदादाद, इतनी नेमतें इस मुल्क पर, ये वो रूए ज़मीन का टुकड़ा है कि शायद कोई कौम इतनी इनाम याफ्ता नहीं जितनी अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें नेमतों से माला माल मुल्क दे दिया। अल्लाह सुबहाना ताला ने तो हमें वो नेमतों वाला खिता दिया है जिसमें जिसमें समुंदर भी हैं, जिसमें दरिया भी हैं, 5 नद हैं, जिसमें सहरा भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, ताकिस्तान भी हैं, सोना उगलने वाली ज़मीन भी है, मादनियात भी हैं, हवाएं भी हैं, और फिर उसके बाद देख लीजिए कि हमारे पास बेहतरीन इसबाब, बेहतरीन फौज है, बेहतरीन नहरी आपाशी निज़ाम है, और फिर सबसे बढ़कर हम जौहरी ताकत और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हामिल कौम है। You name it and we have it। अल्लाह सुबहाना ताला ने ऐसे जैसे थाली में रख के हमें इतना नेमतों वाला मुल्क दे दिया, तो कसरत से अल्लाह का शुक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। ये जिक्र करना, तस्बीहात करें, अगर नमाजों की कोई कमी है तो उस नमाजों की कमी को दूर करने का अहद करें और फिर सजदे में गिर जाएं। सूरह कौसर में भी अल्लाह सुबहाना ताला को क्या फरमाया गया था, इन्ना आतवैना कल कौसर, क्या करें जब हम आपको कसरत नेमत देते हैं, फसल्ली रब्बी का वनहर, नमाज पढ़ें, कुर्बानी दें। तो अगर कुछ इस नेमतों वाले दिन पर करना है, इस खुशी के दिन पर करना है, तो नमाज पढ़े, नवाफिल पढ़े, शुक्राने के सजदे करें और सजदे में गिर गिर कर अल्लाह सुबहाना ताला से इस नेमत की बका की, इसकी सलामती की, इसकी हिफाजत की, इसकी आफियत की दुआएं करें, इस पर निफाज इस्लाम की दुआएं करें। यही मकसद है इस दिन की खुशी के सेलिब्रेट करने का तरीका। और फिर अगर हम देखें तो इन तस्बीहात और इन शुक्र के कलिमात के साथ अल्लाह सुबहाना ताला, और हाँ जी वन हर कुर्बानी दें, तो लिहाजा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नेमत के मिलने पर अल्लाह सुबहाना ताला कहता है कुर्बानी दे, तो कुर्बानी दे फिर इस मुल्क के लिए। हम क्या कुर्बानी दे रहे हैं,
हम तो ये कि हम आज हमारी औलादें पूरे का पूरा वक्त अपना यहाँ पर माल कौम की पैसे के ऊपर और कौम के रिसोर्सेज के ऊपर पढ़ते हैं और हम अपने लायक बच्चों को बाहर भेज देते हैं अपने औकात की, अपनी सलाहियतों की, अपने माल की, अपने वक्तों की, अपनी औलादों की, अपने घरों की, अपनी सवारियों की कुर्बानी दें इस मुल्क की सरबुलंदी के लिए, इस रियासत में इस्लाम के बका के लिए और उसके निफाज के लिए कुर्बानी दें। सिर्फ नाचना और नाच गान के ये सारा दिन गुजार देना, कुर्बानियाँ दें अगर ये मुल्क महबूब है। और वैसे भी बताएं कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, जिससे मोहब्बत होती है पर उसके लिए कुर्बानी दी जाती है। अपना मुहासबा करें ना बैठ के इस दिन पर कि हमने इस मुमलिकत खुदादाद के लिए क्या कुर्बानी दी है, इस मुल्क में इस्लाम की बका और इस्लाम के निफाज के लिए मैंने अपना कितना माल, कितना वक्त, कितनी तवज्जो। हम तो अपने माशरे में अपनी गलियों और कूचों में बेहयाइयाँ, फहाशियाँ, उरियानियाँ, जिनाकारियाँ होते हुए देखते हैं तो जबान तक हरकत नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस के अल्फाज आज हमें नजर आ रहे हैं, आपने फरमाया कि जब तुम जालिम को देखोगे और तुम उठ नहीं खड़े होगे तो अल्लाह एक आम अजाब देगा और वो आम अजाब की अलामतें हमें नजर आ रही हैं। फिर हदीस के अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जालिम को देखेंगे और उठ नहीं खड़े होंगे तो फिर अल्लाह सुबहाना ताला उनको कैसे अजाब देगा। अल्लाह सुबहाना ताला उन पर ऐसे हाकिम मुसल्लत कर देगा जो उनमें से बदतरीन होंगे, वो उनको अजियतें देंगे और कौम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वो लोग दुआएं करेंगे और उनकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। आज हमारे हालात तो ये हैं, आज ये अजाब की अलामतें हैं जो नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा ये याद रख लीजिए कि अगर करने के काम है तो जिक्र करना है, शुक्र करना है, नवाफिल पढ़ें, कुर्बानियाँ दें। और फिर अल्लाह ने सूरह नज़र में अगली बात क्या कही है, वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा, कि अपने रब को इस्तग़फार करो, वो तौबा कबूल करने वाला है। और खुशियों के मिलने पर अल्लाह सुबहाना ताला कुरान के और हदीस के मुख्तलिफ वसाइल से हमें यही सिखाते हैं कि खुशी और नेमत और कामयाबी और फतह के मिलने पर कसरत से इस्तग़फार, क्योंकि बस औकात नेमत को हासिल करने के चक्कर में अल्लाह की कोई नाफरमानी हो जाती है इसलिए इस्तग़फार, या नेमत के मिलने पर कुछ कोई तकब्बुर आ जाता है इसलिए इस्तग़फार, या नेमत के बात कभी कोई घुमंड की वजह से, वो कहते हैं ना ऐश में याद खुदा ना रहा, इसलिए नेमतों और फतह और कामयाबी के मौके पर अल्लाह इस्तग़फार सिखाता है। लेकिन हम पाकिस्तानियों के लिए तो इस्तग़फार ऐन ज़रूरी है। आप देखें कि अल्लाह सुबहाना ताला ने इतनी बड़ी नेमत उज़्मा हमें दी, इतनी बड़ी नेमत, आज़ादी बजाते खुद बहुत बड़ी नेमत है। और जैसे अल्लाह वो उनको भी इस वादना मूसा अरबईना, अल्लाह सुबहाना ताला ने 40 दिनों का वादा जब आज़ादी के बाद किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से, कि जब उनको निजात दी थी फिरौन की कौम से, जब निजात दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह सुबहाना ताला ने उनको भी फिर वो शरीयत दी थी और शरीयत के निफाज का हुक्म दिया था। तो आज अगर हम देखें तो अल्लाह सुबहाना ताला ने हमें भी आज़ादी की मौजा दिया था। वो यहूदी, वो सिख और वो हिंदू और वो अंग्रेज़ जो हैं, जो हमारे ऊपर 200 साल हुकूमत करते थे, वो हमें कैसे जलील और रुसवा करते थे, हमें काटते थे, जलाते थे, मारते थे, रुलाते थे। ना वहाँ पे हमारे पास हुकूमत था, ना होता था, ना इक्तदार था, ना अपने इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार था। अल्लाह सुबहाना ताला ने जब ये खिता दिया, ये तो बहुत बड़ी नेमत थी, हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के बदले जब हमें ये खिता दिया। और मैं तो आपको दर्द दिल से हमेशा ये कहती हूँ कि मैं इस बात का इतराफ करती हूँ कि इस कौम की मुजरिम मेरी नस्ल है, हमारे पिछली नस्ल ने, हमारे बापों ने, हमारे दादाओं ने तो अपने खून की कुर्बानियाँ देकर और खून की होली खेलकर हमें ये इतना खूबसूरत खिता देने में अपना किरदार अदा कर दिया था। हम हमारी नस्ल इस कौम की मुजरिम है, इसको हमने बिगाड़ा भी, इसको हमने बर्बाद भी किया और अब बदतरीन शक्ल में अपनी अगली नस्ल के हवाले कर रहे हैं। और हम अपनी अगली नस्ल के हवाले इस खित्ते को कर रहे हैं इस हाल में कि हमने तो उनको नजरिया पाकिस्तान भी नहीं समझाया, हमने तो उनको पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों के किस्से भी नहीं सुनाए और फिर ये बिगड़ा हुआ खित्ता उनके हाथों में थमा रहे हैं। अल्लाह सुबहाना ताला मेरी अगली नस्ल को दीन अता फरमाना, ईमान और इस्लाम अता फरमाना। इलामा इकबाल ने जो दुआ की थी, इलाही इन बच्चों को फिर बालो पर दे, इन बच्चों को फिर बालों पर दे, इनको ईमान इस्लाम अता फरमाना ताकि इस मुमलिकत खुदादाद की हिफाजत करने वाले बन जाएं।
अपने आप को कटेरे में खड़ा किया करें, इस दिन अपने आप को कटेरे में खड़ा किया करें और अपने आप से पूछा करें कि अगर कयामत के दिन, अगर कयामत के दिन एक बूढ़े बाप ने जिसके बाल सफ़ेद हैं और कमर झुकी हुई है, उसने अगर मुझे रोक कर कयामत के दिन मैदान हशर में ये पूछा कि बेटी मेरी आंखों के सामने मेरी जवान बेटियों की इस्मतें और आबरूएं उन्होंने सिखों ने लूटी और उन सिखों से अपनी इस्मतें और आबरूएं बचाने के लिए मेरी जवान बेटियों ने कुओं के अंदर छलांगे लगा दी, मैं सिर्फ सबर कर गया था, मैं गम का घूंट सिर्फ इसलिए पी गया था, मैंने सबर सिर्फ इसलिए कर लिया था कि मैं चाहता था कि तुम्हारी बेटियों की इस्मतें और आबरूएं महफूज हो जाएं, तुम्हारे लिए एक ऐसा खित्ता कायम हो जाए जहां अगली नस्लों की बेटियों की इज्जतें और आबरूएं महफूज हो जाएं। बताएं क्या मेरे और आपके पास कोई जवाब है? अगर उसने मुझे और आपको पूछा कि वो खित्ता दिखा दो जहां पे तुम्हारी बेटियों की इस्मतें और आबरूएं महफूज हैं, तो क्या मेरे और आपके पास कोई खित्ता दिखाने को है? ये गलियां, ये कूचे, ये साइन बोर्ड जहां पे हव्वा की बेटियां बिक रही हैं, हमारे तो आज सियासी जलसे जो है ना, वो भी वहां पे भी आज हव्वा की बेटी अपने बाल खोले और अपनी जुल्फें बिखेरे और नाचती और गाती हुई नजर आती है। कौन सा खिता है जो मुझे और आपको दिखाना है? वस्तगफिर, हमें इस्तगफार करना है। अगर एक माँ ने कयामत के दिन मेरा या आपका गिरेबान थाम लिया और मुझे और आपको कहा कि मेरी बहन तू मुझे ये बता तो सही कि मेरी आंखों के सामने हिंदुओं के ग्रोहों ने मेरे जवान बेटों को कत्ल किया, उनके खून की होली खेली, उनके जिस्मों के टुकड़े करके उनको नेजों के ऊपर मेरी आंखों के सामने उछाला, मैं सब्र कर गई थी, गम का घूंट गम का पहाड़ बर्दाश्त कर गई थी, महज इसलिए कि तुम्हारे बेटों के कदमों के नीचे एक ऐसी रियासत हो जिस पर इस्लाम का निजाम नाफिज, उनके सरों के ऊपर कुरान की तालीमात की छत और हिफाजत हो। बताओ वो खित्ता क्या तुमने तैयार कर लिया? क्या मेरे और आपके पास जवाब है? क्या मेरे और आपके पास जवाब है? क्या हमने ऐसा खित्ता तैयार कर लिया? क्या हमने ऐसी रियासत तैयार कर ली? अगर नहीं तो 14 अगस्त को इस्तग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। हम नाशुक्री भी कर चुके हैं, इस नेमत खुदादाद की नाशुक्री करने के भी मुर्तकिब हैं, और अपने आबाओ अजदाद का किया हुआ वादा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस वादे की बदहदी का भी मुर्तकिब हैं। कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, कसरत से तौबा करनी, अपनी कमी अपनी कुत्ताही का इतराफ़ करके अल्लाह से इस्लाह की तौफीक मांगनी है। कनूत नाजिला भी कसरत से पढ़िए, क्योंकि आप देखें इस नाशुक्री की वजह से, इस बदहदी की वजह से अल्लाह के अजाब की अलामतें नजर आ रही हैं। बेहयाइयां, फहाशियां, उरियानियां, चोरियां, डाके, लूट मार, राहजनी, कत्ल, हर किस्म के तरीके जा रही हैं। और आप देखें आज हमारी फिरका बारियत है, कत्ल हो रहे हैं मस्जिदों के अंदर, आज हमारे हाकिम महकूमों के साथ, हमारी फौज हमारी रियाया के साथ हर शक्ल पर लड़ाइयां और अल्लाह के अजाब की अलामतें नजर आ रही हैं। अल्लाह ने कुरान में वाज़े तौर पर यह सिखाया कि जब मैं किसी कौम को अजाब देता हूं तो उससे एक्सपेक्ट क्या करता हूं, लअल्लहुम यतज़र्रउन। तो ये तजर्रो, आजी, इनकिसारी, तौबा, इस्तग़फ़ार, झुक जाना और इस्लाह का वादा करना, ये करने के काम है। अपनी ज़ाती इस्लाह का भी इरादा कीजिए, अपने घरों के माहौल की इस्लाह कीजिए, गली कूचे कोई एक ही काम अपने माशरे का इसको इरेडिकेट करने के इरादा कर लीजिए। इस 14 अगस्त को इसकी सफाई का इरादा कर लीजिए, माशरे की सफाई और इस्लाह के काम को अपने कंधे पर उठाने का इरादा कर लीजिए। और अगर अपनी अपनी धरती को सफ़ेद सब्ज़ और सफ़ेद झंडों के सजाते हैं तो इस सरजमीन के ऊपर दरख्तों का हरियाली और दरख्तों के सब्जे को उगाने का इरादा कर लीजिए। हदीस याद रखिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो इस जमीन पर एक दरख्त लगाएगा उसके लिए अल्लाह सुभान व तआला जन्नत में दरख्त लगाएगा। और सबसे बढ़ के तौबा और इस्तग़फ़ार करके अल्लाह की इस खूबसूरत सरजमीन के ऊपर, इस सरजमीन के टुकड़े के ऊपर अल्लाह के दीन की हाकमियत, कुरान हमारा आईन हो, कुरान हमारा निज़ाम हो, कुरान हमारा दस्तूर हो और कुरान हमारा निज़ाम हयात हो, ये वादा कर लीजिए।
अगर कुछ करना है तो घरों में बैठकर छुट्टी बनाने की बजाय काम 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 बस काम, ये पैगाम है जो मुझे और आपको अपनाना है। कोई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, कोई ऐसे सेमिनार स्कूलों और कॉलेजों में इलामा इकबाल की शायरी तक के सोई भी कौम जो है उस जबूम हाली से निकले। कौम को दो कौमी नज़रिया बताएं। आज हमारे टीवी के ऊपर एंकर पर्सन बैठ के दो कौमी नज़रिए के खिलाफ बातें करते नजर आ रहे। पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या थी? अरे अल्लाह के बंदो, ये तो वही रवैया है कि वो कटने वाले कट गए, वो जलने वाले जल गए, वो मरने वाले मर गए, और हम यहां बैठ के मुबाइसा कर रहे हैं तुम जले क्यों थे, कटे क्यों थे, मरे क्यों थे। दो कौमी नजरिया सिखाएं अपनी नस्ल को। ये है 14 अगस्त को, ऐसे सेमिनार्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे तकरीरी मुकाबले, ये सारा कुछ करें ताकि अगली नस्ल को ये समझ आए कि ये खित्ता बनाया क्यों गया था। कॉन्सेप्ट एंड विजन ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन ये समझा दीजिए और बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी का अहद कर लीजिए। याद रखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह से अहद कर लीजिए। इलामा इकबाल ने फरमाया था, किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। 14 अगस्त पर करने का काम है तौबा कीजिए, इस्तग़फ़ार कीजिए, जिक्र इलाही के साथ सजदे में गिर के गिरियाँ और जारी के साथ अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ कीजिए कि ये मुमलिकत खुदादाद जिसको मदीना तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरा नमूना बनाने की गरज से इस रियासत को बनाया गया था, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين ثم آمين।